गाइज वर्ल्ड हिस्ट्री के फेमस लीडर हिटलर, अलेक्जेंडर और नेपोलियन। सो गाइज इन तीनों के बारे में आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा ही होगा, सुना ही होगा गाइज, बट क्या आप लोग जानते हैं कि ये तीनों जो है वो बिल्कुल सेम प्रॉब्लम से गुजर रहे थे। सो गाइज इनको, यस इनको तीनों को बिल्कुल एक जैसी प्रॉब्लम थी, और गाइज वो ये थी कि इन तीनों को जो है बिल्ली से डर था गाइज, इन तीनों को फियर था कैट से। सो गाइज कैट के फियर को क्या बोलते हैं गाइज, तो उसको बोलते हैं एल्यूरोफोबिया। सो देखिए गाइज इन तीनों को एल्यूरोफोबिया था। तो देखिए आज हम लोग ने दो चीज़ें जानी, एक फैक्ट देखा कि बेसिकली नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर ये तीनों को एल्यूरोफोबिया था, और एल्यूरोफोबिया के बारे में जाना हमने। इसका मतलब होता है कि जिन लोगों को फियर मतलब कैट से फियर होता है, यानी कि डर होता है कैट से गाइस। तो देखिए आप लोगों में से किस किस को डर लगता है कैट से, नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए गाइस। सो गाइस आई वेलकम यू टू एजुकेशन विंग्स एंड दिस इज कमलाक्ष झा। यू कैन फॉलो मी ऑन फेसबुक, ट्विटर एंड यू कैन आल्सो राइट मी एट दिस ईमेल एड्रेस, दैट इज kamlakshjha@gmail.com। सो गाइस टुडे इज 14th of July 2018, और हमेशा की तरह हम लोग इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल के अंदर द हिंदू की न्यूज एनालिसिस करते हैं गाइस, और यहां पर सिर्फ वही करंट अफेयर्स को डिस्कस किया जाता है जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेवेंट होता है। सो अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, बिकॉज़ यहां पर गाइस आपको सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल वीडियोस मिलेंगे। सो गाइस आज बात कर लेते हैं आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में हम लोग किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए गाइस फ्रंट पेज की डिस्कशन करेंगे, नेशनल न्यूज़ डिस्कस करेंगे, इंटरनेशनल न्यूज़ भी है गाइस वो भी डिस्कस करेंगे, और नेशनल न्यूज़ के अंदर भी हम लोगों को कुछ इंटरनेशनल न्यूज़ देखने को मिलेगी गाइस। इसके अलावा गाइस बिजनेस से रिलेटेड कुछ न्यूज़ है वो देखेंगे, साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई पेज नहीं है गाइस वो नहीं देखेंगे, स्पोर्ट्स न्यूज़ एक है गाइस वो हम लोग देखेंगे, और लाइफ न्यूज़ जो है गाइस उसका पेज ही नहीं है आज की डेट में। तो साइंस एंड टेक और लाइफ वाली न्यूज़ का पेज नहीं है, और प्लस साइंस एंड टेक से रिलेटेड कोई न्यूज़ भी नहीं है गाइज आज की डेट में। इसके अलावा गाइज मैं आप लोगों को कुछ लोकेशंस के बारे में बताऊंगा जिसको आपको स्टडी करना है। स्टडी करने का मतलब होता है क्या, यानी कि उस पर्टिकुलर लोकेशन की कैपिटल देखना, करेंसी देखना, उसकी गवर्नमेंट देखना यानी कि उसके प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट कौन कौन है वो चीज़ को आप लोग को देखना, उसकी नेबरिंग स्टेट्स को देखना यानी कि नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी कंट्रीज़ जो है उसकी बॉर्डर को टच करती हैं, वो सब चीज़ें आप लोग को देखना। तो प्रॉपरली आपको स्टडी करना है उस लोकेशंस को। सेकेंडली गाइज मैं आप लोग को इस वीडियो के एंड में कुछ क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, और उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो भी लोग आंसर देंगे गाइज नीचे कमेंट बॉक्स पे उनको हम लोग कुछ रिवॉर्ड प्रोवाइड कराते हैं, और वो क्या रिवॉर्ड होगा वो मैं तब आपको बताऊंगा जब मैं आपको ये क्वेश्चन डिस्प्ले करूंगा। ऑलराइट गाइज, सो गाइज आज स्टार्ट करते हैं हम लोग फ्रंट पेज के न्यूज से। फ्रेंड्स फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ और उनकी डॉटर मरियम को बेसिकली अरेस्ट कर लिया है कल लाहौर पुलिस ने गाइस एयरपोर्ट पे। सो देखिए ये एक तरह की रिपीटेड न्यूज़ है जिसके बारे में हम लोग को ऑलरेडी पता है कि इनको जो इनका जो अरेस्ट होना है वो तय था गाइस। तो उसकी रीज़न क्या था गाइस इनके अरेस्ट होने का, तो फटाफट रिविजन कर लेते हैं हम लोग। तो देखिए गाइस पनामा पेपर लीक के बारे में आप लोगों ने तो सुना ही होगा, जिसके बारे में हम लोगों ने कुछ दिनों पहले डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से। सो गाइस उस पर्टिकुलर पनामा पेपर लीक के थ्रू जो है इनका नाम जो है उस पर्टिकुलर लिस्ट में आ गया था, जिस लिस्ट में बेसिकली काफ़ी सारे लोगों का नाम था जो लोग शेल कंपनीज थी जिनकी, और मतलब शेल कंपनीज कौन सी होती है गाइस, फेक कंपनीज जिसका कोई भी बेसिकली प्रॉपर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होता है, प्रॉपर एम्प्लॉयज नहीं होता है, बस ये कंपनी जो होती है वो सिर्फ पेपर में होती है, और उसका सिर्फ जो होता है बैंक अकाउंट होता है गाइस जिसके थ्रू ये ट्रांजैक्शन करते हैं, जिसके थ्रू ये अपना करप्शन के थ्रू कमाया हुआ ब्लैक मनी जो है उसको बाहर की देश में भेजते हैं गाइस हवाला के थ्रू, और उसको बेसिकली बैंक के थ्रू ट्रांसफर कर लेते हैं अपने अकाउंट में या फिर अपने किसी रिलेटिव के अकाउंट में। तो वैसे ही इन्होंने किया था गाइस, इन्होंने अपने बेटे के नाम पर काफी सारी कंपनीज खोल ली थी गाइज, और उस पर्टिकुलर कंपनीज के थ्रू इन्होंने काफ़ी लार्ज रेवेन्यू जो है वो शो किया गवर्नमेंट को कि ये जो मेरा बेटा है ये काफ़ी अच्छी कमाई कर रहा है इस पर्टिकुलर कंपनी से, और इस पर्टिकुलर कंपनी के नाम पे गाइज लंदन में काफ़ी एक्सपेंसिव जो थे वो घर देखने को मिले थे गाइज, जो प्रॉपर्टीज थी वो काफ़ी एक्सपेंसिव देखने को मिली थी, जिस कारण से जो है गाइज ये शक में आ गए थे, और इनके खिलाफ जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो अब ये फाइनली दोषी ठहरा दिए गए थे। और जब इनको दोषी ठहराया गया था गाइज, यानी कि जुलाई 6 को पाकिस्तान ने जब दोषी ठहराया था इनको, यानी कि यस गाइज हम लोग जुलाई 7 को इस पर्टिकुलर न्यूज के बारे में डिस्कस किया था, तो प्लीज एक बार जुलाई 7 वाला गाइस आप डेली न्यूज एनालिसिस देख लीजिएगा जिसके बारे में हम लोग ने शेल कंपनीज के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका है, पनामा पेपर्स की लीक के बारे में अच्छे से डिस्कस कर चुका है। तो प्लीज जो हमारे न्यू व्यूअर्स हैं एक बार जाके देख लीजिए, बाकी रिविजन पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको इतनी सारी चीजें बताई दी है जो कि इंपॉर्टेंट है, जिसके थ्रू आप लोग को समझ में आ चुका होगा राइट। तो गाइज देखिए अब हम लोग ने जब बात करी थी जुलाई 6 के बारे में कि जब पाकिस्तानी कोर्ट ने इनको दोषी ठहरा दिया था, तब ये उस समय बेसिकली अपनी वाइफ के इलाज के लिए गाइज ये लंदन में थे गाइज, और उसके बाद फिर ये दुबई गए, और दुबई से गाइस जब ये वापस यहां पर आ रहे थे बेसिकली लाहौर, तो इनको एयरपोर्ट पे ही अरेस्ट कर लिया है लाहौर की पुलिस ने राइट। तो पाकिस्तानी पुलिस ने इनको एयरपोर्ट पे अरेस्ट कर लिया है गाइस। तो बेसिकली जब इनको अरेस्ट किया गया था गाइस, तब यहां पर ये चीज देखने को मिली थी कि जितने भी रोड्स वगैरह थे वो सब चीजें बंद कर दी गई थी, और मतलब काफी सारे लोग जो थे मतलब वहां पर इंटरनेट बंद कर दिया गया था गाइस, और मोबाइल सर्विस की फैसिलिटी जो थी वो सस्पेंड कर दी थी सिटी के अंदर। सो गाइस देखिए ये चीज है कि नवाज शरीफ प्रेसिडेंट को बेसिकली अरेस्ट करने के लिए इन्होंने इतनी पाबंदी लगाई थी
रही, तो उस दौरान जो नवाज शरीफ जी हैं उन्होंने कहा था कि बेसिकली पाकिस्तान जो है अपनी खुद की सिटीजन्स के लिए इस तरह की मतलब जो एक्टिविटीज़ कर रही है, इस तरह के एक्शंस ले रही है कि इंटरनेट बैन करना, वहाँ पे किसी को आने ना देना, सिक्योरिटी इतनी टाइटन कर लेना कि सिर्फ ये दो लोगों को अरेस्ट करने के लिए इतनी सिक्योरिटी जो है वो टाइटन कर ली थी। बट गाइज सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से ज़रूरी भी था बिकॉज ये जो थे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर रह चुके थे और इनकी जो मतलब जिस ये पार्टी से बिलोंग करते थे यानी कि पाकिस्तानी मुस्लिम लीग से जो बिलोंग करते थे या फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग से ये बिलोंग करते थे जिसको PML बोलते हैं हम लोग, सो गाइज उसके बेसिकली सपोर्टर्स हो सकता था कि आकर जो है यहाँ पर हंगामा क्रिएट कर दें और इनको बचा के ले जाएं या फिर इनको कहीं और किसी और डायरेक्शन में इनको भागने में मदद मिल जाए इस प्रकार की। बट अगर इनको भागना होता तो ये लाहौर क्यों आते, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द क्वेश्चन। बट देन टू गाइज सिक्योरिटी कंसर्न के हिसाब से जो पाकिस्तान ने किया है वो आई थिंक कि ठीक ही किया है, बट ये इंटरनेट और मोबाइल सर्विसेज जो है वो सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी। सो गाइज दिस इज़ द ओवरऑल थिंग विच यू नीड टू नो और जो कि रिपीटेड न्यूज़ थी, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि अभी क्या चल रहा है और नवाज शरीफ जो है वो अरेस्ट हो गए हैं, राइट। और ये चीज़ बताई जा रही है गाइज कि इनके अरेस्ट होने मतलब जिनको जो अरेस्ट हुए हैं ये, तो ये इसका इम्प्लीकेशन जो है वो आने वाले इलेक्शन पे भी पड़ेगा, राइट। तो नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं गाइज, ये पर्टिकुलर न्यूज़ है, इसको आप रिलेट कर सकते हैं साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, वो कैसे मैं भी आपको बता देता हूँ। तो देखिए आज से जगन्नाथ रथ यात्रा जो है वो शुरू हो गई है गाइज, और अहमदाबाद पुलिस ने सेफ्टी और सिक्योरिटी मेजर्स के लिए गाइज यहाँ पर जो है इजरायली बलून का यूज़ किया है, जो कि आप देख सकते हैं ये हीलियम बलून है गाइज, इसलिए ये एयर में फ्लाई कर रहे हैं गाइज, हवा में फ्लाई कर रहे हैं। और इस पर्टिकुलर बलून के अंदर गाइज हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है वो इंस्टॉल्ड है गाइज, तो बेसिकली ये हाई रेजोल्यूशन कैमरा जो है वो बेसिकली मॉनिटर कर रहा है पूरे एरिया को, तो ये रियल टाइम मॉनिटरिंग जो है वो प्रोवाइड करा रहा है अहमदाबाद की पुलिस को, जिसके थ्रू वो पर्टिकुलरली तुरंत जो है अगर कुछ गड़बड़ होती है तो तुरंत एक्शन ले सके। तो देखिए रिलेट कर लीजिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी से, समझ में आया कि अगर हीलियम बलून का यूज किया गया है गाइज या फिर इजरायली बलून अगर क्वेश्चन में आता है तो आप लोग को पता होना चाहिए कि जगन्नाथ रथ यात्रा में रिसेंटली अहमदाबाद पुलिस ने इसका यूज किया है। ऑलराइट, सो दिस इज द थिंग यू नीड टू नो गाइज। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं फ्रेंड्स, फ्यू डेज बैक वी हैव डिस्कस्ड अबाउट DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2018, और हम लोग को पता है इस पर्टिकुलर बिल को जो है रिसेंटली जब पार्लियामेंट ने अप्रूव किया था तब हम लोग ने काफ़ी कुछ चीज़ें डिस्कस करी थी। हम लोग ने बात करी थी कि DNA डेटा बैंक जो है वो इंडिया में आने वाला है गाइज, मतलब इस्टेब्लिश करेंगे, क्रिएट करेंगे, और इस पर्टिकुलर बैंक के थ्रू जो है क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन में पुलिस को जो है काफ़ी मदद मिलेगी। और सेकेंडली जो है गाइज क्या होगा कि जो भी मिसिंग बॉडीज जो होती हैं डेड बॉडीज गाइज उनको फाइंड आउट करने में काफ़ी हेल्प होगी गाइज, राइट। और अब गाइज इस पर्टिकुलर न्यूज़ के थ्रू ये बात की जा रही है यानी कि ये बात कर रही है डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी की सेक्रेटरी गाइज रेनू स्वरूप जी, तो उन्होंने कहा है कि जो बेसिकली DNA बैंक्स होगा उसके अंदर जो DNA की प्रोफाइल्स होंगी लोगों की वो बेसिकली परमानेंट नहीं होगी, वो कुछ टेम्प्रेरी टर्म्स के लिए होंगी गाइज, टेम्प्रेरी पीरियड के लिए होगी। उसका रीज़न ये बताया गया है गाइज कि जब क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन जब कंप्लीट हो जाएगी तब इस पर्टिकुलर प्रोफाइल को इनकी या फिर इस पर्टिकुलर डिटेल्स को या फिर डेटा को गाइज DNA के डेटा को इस पर्टिकुलर बैंक से जो है वो हटा दिया जाएगा जुडिशियल ऑर्डर्स के बाद गाइज, राइट। तो ये चीज बोली जा रही है। अब देखिए गाइज आने वाले समय में इससे रिलेटेड हम लोग को और अच्छा एक आर्टिकल देखने को मिलेगा गाइज, जब जो है सुप्रीम कोर्ट या फिर कोई भी कोई कोर्ट जो है या फिर पार्लियामेंट जो है गाइज उसमें डिस्कस करेगी, उसमें अपना जो है ओपिनियन देगी कि क्या चीज एग्जैक्टली होनी चाहिए गाइज। तो अभी बेसिकली तर्क वितर्क चल रहे हैं तो उसके बारे में एटलीस्ट यू शुड नो, एंड एक तरह से आपका DNA का रिविजन हो गया है, DNA टेक्नोलॉजी यूज एंड एप्लीकेशन रेगुलेशन बिल 2018, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के लिए स्पेशली साइंस एंड टेक से रिलेटेड गाइज, ये पर्टिकुलर न्यूज है, राइट। नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं गाइज हम लोग फ्रेंड्स, महाराष्ट्र फूड एंड सप्लाई मिनिस्टर रविंद्र छवन जी ने फ्राइडे को अनाउंस कर दिया है कि अब से जो लोग जो है वो मल्टीप्लेक्सेस के अंदर गाइज अगस्त 1 से बाहर से खाना जो है वो लेके आ सकते हैं, यानी कि जो भी फूड आइटम्स हैं वो बाहर से थिएटर के अंदर मल्टीप्लेक्सेस के अंदर जो गाइज वो एंटर कर सकते हैं और वो लेके जा सकते हैं। सो गाइज ये बेसिकली एक्शन क्यों लिया गया था गाइज, बिकॉज महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव काउंसिल के अंदर हम लोग को ये चीज़ देखने को मिली थी कि वहाँ के जो अपोजिशन मेंबर हैं उन्होंने बेसिकली ये क्वेश्चन किया था कि जो मल्टीप्लेक्सेस जो है वो एग्जॉर्बिटेंट प्राइजेस जो है वो चार्ज करते हैं गाइज फूड और पीएवरेज में, यानी कि बहुत ज्यादा प्राइस जो है वो चार्ज करते हैं, और ये चीज गाइस हम लोगों ने देखी हुई है, खुद ऑब्जर्व करी है। ये मैं तो कहता हूं कि ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट नहीं, ये पूरे इंडिया में जो है वो लागू हो जाना चाहिए गाइस। देखिए बिकॉज हम लोग कहीं पर भी जाते हैं किसी भी थिएटर के अंदर किसी भी मल्टीप्लेक्स के अंदर गाइस, तो वहां पर ऑब्वियसली बात है पॉपकॉर्न जो होता है गाइस वो 20-30 रुपए का पॉपकॉर्न जो है हम लोग को देखने को मिलता है कि 100-150 रुपए में मिल रहा है। तो मतलब कितनी मतलब कॉस्ट है यार, मैं तो एक मतलब जैसे कि मतलब पेयर ऑफ समोसा जो होता है, मतलब टू समोसे जो होते हैं गाइज, जैसे अगर हम लोग बाहर कहीं खरीदें समोसा तो मुश्किल से 10-15-20 रुपए मिलेगा मैक्स टू मैक्स, राइट। थिएटर के अंदर वही समोसा 150 रुपए का मिलता है। सो देखिए सोचिए गाइज कितनी मतलब जो है वो मतलब एग्जॉर्बिटेंट प्राइस जो है हम लोग को देखने को मिल रहा है, कितना हाई प्राइसेस देखने को मिल रहा है गाइज। तो ये बेसिकली जो एक्शन लिया है महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लिया, तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको कंफ्यूज कर दिया जाएगा किसी और स्टेट का नाम लिख के, राइट। तो महाराष्ट्र स्टेट याद रखिए गाइज कि महाराष्ट्र
स्टेट ने बेसिकली ये जो अलाउ कर दिया है लोगों को अगस्त 1 से कि वो बाहर से फूड आइटम्स जो है वो मल्टीप्लेक्स में ले आ सकते हैं। सो इस कारण से गाइस क्या होगा, मल्टीप्लेक्सेस जितने भी हैं जैसे कि बात करी जाए PVR की, फन सिनेमा की, सिनेपोलिस की, एरोस नाउ की, सो गाइस ये जितने भी जो हैं PVR हैं गाइस ये इनको काफ़ी लॉस होने वाला है और हो सकता है कि ये बेसिकली अपनी जो टिकट्स हैं गाइस जो उस पर वैल्यू जो है आने वाले समय में बढ़ा दें, टिकट्स के चार्जेस जो है वो बढ़ा दें अपने रेवेन्यू को कवर करने के लिए गाइस। तो देखिए गाइस अब बस ये महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है या फिर महाराष्ट्र स्टेट जो है वो याद रखिएगा। ऑलराइट, सो नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं हम। फ्रेंड्स, स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 को सेंटर ने लॉन्च कर दिया है गाइस। तो ये बेसिकली एक नेशन वाइड सर्वे है रूरल इंडिया का और जो कि क्लीनेस्ट और डर्टीएस्ट स्टेट्स और डिस्ट्रिक्ट्स को गाइस क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव बेसिस पे जो है वो रैंक करेगा। सो देखिए गाइस इजी वे में मैं अगर आपको समझाऊं तो स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू हम लोगों ने देखा था कि कौन सी सिटी क्लीनेस्ट है और कौन सी सिटी डर्टीएस्ट है, तो उसके बीच में हम लोगों ने रैंकिंग देखी थी राइट क्लीनेस्ट और डर्टीएस्ट में। सो गाइस ये सेम वैसा ही है, यहां पर भी सर्वे होने वाला है जिसके थ्रू जो है वो पता लगेगा कि कौन से जो मतलब स्टेट्स और बेसिकली डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो क्लीनेस्ट हैं और डर्टीएस्ट हैं, बट इसमें गाइस इंक्लूड किया जा रहा है, ये बेसिकली स्वच्छ भारत मिशन से थोड़ा सा डिफरेंस इसलिए है गाइस बिकॉज इसमें रूरल इंडिया को इंक्लूड किया जा रहा है, यानी कि विलेजेस जो है गाइस उसको इवैल्यूएट करेंगे। इसमें जो टोटल जो रैंडम सिलेक्शन जो हो रहा है गाइस विलेजेस का वो हो रहा है 6980 विलेजेस का और जो कि 698 डिस्ट्रिक्ट्स में है गाइस और जो कि सर्वे किए जाएंगे अगस्त के मंथ में, यानी कि नेक्स्ट मंथ गाइस सर्वे किए जाएंगे इसके, और जिसमें गाइस स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड जो है वो दिया जाएगा राइट। और ये कब दिया जाएगा, अक्टूबर 2 यानी कि बर्थ एनिवर्सरी ऑफ आर फाउंडर ऑफ नेशन दैट इज महात्मा गांधी। तो महात्मा गांधी जी की बर्थ एनिवर्सरी को गाइस ये बेसिकली अवार्ड दिया जाएगा जिसका नाम होगा स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण अवार्ड। आई होप कि आप लोग को अब क्लियर हो गया होगा जैसे कि हमने स्वच्छ भारत मिशन का डिफरेंस देखा। सो गाइस देखिए ये पहला जो है कॉम्प्रिहेंसिव सर्वे होने वाला है रूरल इंडिया का, क्योंकि अभी तक जो है वो गांव के इस प्रकार से जो है सर्वे नहीं किए गए हैं, मतलब जैसे क्लीनेस्ट और डर्टीएस्ट के ऊपर गाइस इस प्रकार का सर्वे नहीं हुआ है। तो बेसिकली गाइस इस प्रकार का सर्वे होगा और यहाँ पर जो 3 बेसिक पैरामीटर्स जो हैं इस पर्टिकुलर सर्वे में जो मतलब देखे जाएंगे जिसके बेसिस पे जो है वो रैंकिंग की जाएगी गाइस, तो वो 3 बेसिक पैरामीटर्स हैं। पहला तो है गाइस डायरेक्टली अगर इजीएस्ट में बोलूँ तो देखिए सिटीजन से फीडबैक लिया जाएगा कि घर घर जाकर सिटीजन से पूछा जाएगा कि गंदगी यहाँ पर कहाँ पर देखने को मिलती है आपको, यहाँ पर साफ सफाई कहाँ पर है, तो बेसिकली ये जो डायरेक्ट जो है फीडबैक सिटीजन से लेंगे। सेकेंडली गाइस जैसे कि स्वच्छ भारत मिशन के थ्रू जो इन्फॉर्मेशन सिस्टम जो हुआ था तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें दी जाए जैसे कि काफ़ी सारे डेटास जो थे जो मतलब सामने आए थे गाइस, तो उस डेटा को इवैल्यूएट करेंगे उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जा जाके देखेंगे, तो बेसिकली ये वाली चीज जो है वो सेकंड बेसिक पैरामीटर ये यहां से मिलेगा। थर्ड चीज गाइस ये क्या होगी कि जो लोकल जो बेसिकली इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स होते हैं जैसे कि अलग अलग जो कंपनीज होती हैं जो कि सर्वे करती हैं तो उनसे डायरेक्टली डिस्कशन किया जाएगा और उनके साथ जो है ऑब्जर्वेशन करने के बाद जो है पब्लिक प्लेसेस में जाकर उस चीज को चेक किया जाएगा कि ये वाकई में जो सर्वे किया गया है वो सर्वे मतलब एज इट इज है कि नहीं है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंट सर्वेयर्स की मदद ली जाएगी, सिटीजंस फीडबैक लिया जाएगा गाइस और स्वच्छ भारत मिशन के इंफॉर्मेशन सिस्टम का जो डेटा है गाइस वो यूज किया जाएगा राइट। सो दिस इज द ओवरऑल थिंग विच यू नीड टू नो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन स्पेशली स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 गाइस। और इसका अवार्ड याद रखिएगा गाइस, अवार्ड 2 अक्टूबर यानी कि जो हमारी बर्थ एनिवर्सरी है हमारे फाउंडर ऑफ नेशन की जिनका नाम है महात्मा गांधी जी, सो गाइस इनकी बर्थ एनिवर्सरी पे दिया जाएगा। सो उस समय हम लोग को पता लगेगा कि कौन सा विलेज है, कौन सा स्टेट है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जो कि मतलब क्लीनेस्ट है और कौन सी डिस्ट्रिक्ट, कौन सी स्टेट, कौन सा विलेज जो है वो डर्टीएस्ट है, तो तब हम लोग को पता लगेगा, तब अक्टूबर 3 को हम डिस्कस करेंगे। अभी के लिए वाली चीज़ याद रखिएगा इस स्वच्छ सर्वेक्षण ग्रामीण 2018 और दीज 3 पैरामीटर्स आर ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं हम गाइस। फ्रेंड्स ये वाली जो न्यूज़ है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए बिकॉज यहाँ पर हम लोग को काफ़ी सारी फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी जो कि यूपीएससी डायरेक्टली पूछ सकते हैं गाइस, और उसके अलावा गाइस जो कि दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन है वो भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं। तो देखिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये बेसिकली न्यूज़। देखिए क्या हुआ है कि हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर आज से गाइस 2 दिन की विजिट पर गए हुए हैं ईस्टर्न उत्तर प्रदेश और वो जाने वाले हैं आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में गाइस। तो इनकी विजिट होगी आजमगढ़, मिर्ज़ापुर और वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। सो गाइस देखिए यहाँ पर ये क्या करने वाले हैं गाइस, तो यहाँ पर जो इनका मेन मकसद है, मेन एम है, वो है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे नाम के प्रोजेक्ट को गाइस बेसिकली इनॉग्रेशन देना, तो यानी कि इनॉग्रेट करने जा रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट का। सो गाइस ये बेसिकली जो प्रोजेक्ट है ये एक तरह का एक्सप्रेसवे है जो कि 340 किलोमीटर लॉन्ग है गाइस और 340 किलोमीटर लॉन्ग याद रखिएगा, 340 किलोमीटर लॉन्ग प्रोजेक्ट है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और जो कि गाइस कनेक्ट करेगा दिल्ली से बेसिकली गाजीपुर को। सो गाइस दिल्ली गाजीपुर को कनेक्ट करेगा, तो एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछा जा सकता है पूर्वांचल एक्सप्रेसवे जो है वो कितने किलोमीटर का है, तो हमें पता होना चाहिए 340 किलोमीटर। सेकेंडली गाइस ये पूछा जा सकता है, यूपीएससी अक्सर इस तरह के
क्वेश्चन पूछती है, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कौन सी बेसिकली लोकेशन को कनेक्ट करेगा, तो काफी सारे लोकेशन लिखा रहेगा, जैसे कि लखनऊ आगरा लिखा रह सकता है, मुंबई गोवा लिखा रह सकता है, कुछ भी लिखा रह सकता है, तो हम लोग को पता होना चाहिए ये दिल्ली गाजीपुर जो है उसको कनेक्ट करेगा, तो दिल्ली से लेकर स्टेट कैपिटल से लेकर गाजीपुर को जो है ये बेसिकली पूर्वांचल एक्सप्रेस वे कनेक्ट करने वाला है गाइज। और इसके अंदर गाइज ये चीज बोली जा रही है कि 2021 तक ये प्रोजेक्ट जो है वो फिनिश अप कर दिया जाएगा, और जब ये प्रोजेक्ट फिनिश होगा गाइज तो ये देश का कंट्री का इंडिया का लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे के नाम से गाइज उभर के आएगा, यानी कि लॉन्गेस्ट एक्सप्रेस वे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे जो गाइज आने वाले समय में हम लोग को देखने को मिलेगा, और 2021 में गाइज ऐसी बात की जा रही है। और इसके अलावा गाइज जो एक्सप्रेस वे है 302 किलोमीटर का लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे गाइज, तो इसके अंदर गाइज इस पर्टिकुलर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे में एक फीचर है जो कि इमरजेंसी लैंडिंग वाला फीचर है गाइज, यहाँ पर जो फाइटर जेट्स होते हैं फाइटर प्लेन्स होते हैं गाइज ये इमरजेंसी लैंड कर सकते हैं, यहाँ पर बेसिकली एक मतलब इसमें फीचर दे रखा है गाइज, तो वैसे ही सेम इसी की तरह फीचर लखनऊ आगरा एक्सप्रेस वे की तरह फीचर जो है पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में दिया जाएगा गाइज, जो कि दिया जाएगा सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के पास में राइट, तो यहाँ पर सुल्तानपुर डिस्ट्रिक्ट के पास जो है ऐसा फीचर रहेगा कि जहाँ पर जो फाइटर जेट्स हैं फाइटर प्लेन्स हैं गाइज वो यहाँ पर लैंडिंग कर सकते हैं इमरजेंसी लैंडिंग राइट, तो दिस इज वन ऑफ द ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग विच यू नीड टू नो। सेकेंडली गाइज यहाँ पर जब ये वाराणसी की विजिट में गए हुए हैं तो ये बेसिकली प्रोजेक्ट जो होगा गाइज इसमें 900 करोड़ रुपीज जो इन्वेस्ट करेंगे गाइज, उन्होंने बात करी है कि इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की जो कॉस्ट होगी 900 करोड़ रुपीज होगी, और उसमें काफी सारे प्रोजेक्ट जो है गाइज वो इंक्लूड करने की बात कर रहे हैं 900 करोड़ रुपीज के अंदर, जैसे कि वाराणसी सिटी गैस डिस्ट्रीब्यूशन प्रोजेक्ट, वाराणसी बलिया ईएमयू ट्रेन, इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर, पंचकोशी परिक्रमा मार्ग, सेवरल प्रोजेक्ट्स अंडर द स्मार्ट सिटी मिशन, और स्मार्ट सिटी मिशन के अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट, और नमामि गंगे के अंदर भी काफी सारे प्रोजेक्ट जो है वो इस पर्टिकुलर वर्थ में गाइज इंक्लूड हो जाएंगे 900 करोड़ रुपीज में, तो ऐसी बात की जा रही है गाइज मतलब इस पर्टिकुलर न्यूज के द्वारा। अब जब ये पहुंच जाएंगे जब ये वापस आएंगे गाइज तब हम लोग और अच्छे से देख लेंगे उन्होंने क्या क्या बातें करी है। अभी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे गाइज अच्छे से याद रखिएगा, इसके जितने भी फीचर्स हैं उसके नोट्स बना लीजिए, अगर नोट्स नहीं बनाना है तो कोई बात नहीं, ये जो पीडीएफ है वैसे भी आपको फ्री में मिलनी है, उसके लिए आपको करना पड़ेगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जिसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन पे गाइस। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं हम फ्रेंड्स, ये पर्टिकुलर न्यूज़ है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल से रिलेटेड, तो देखिए एनजीटी जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जामिनेशन के लिए, बिकॉज यूपीएससी जो है गाइज हर साल डायरेक्टली क्वेश्चन एनजीटी से रिलेटेड पूछती है, या फिर घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से एनजीटी से रिलेटेड क्वेश्चन तो आता ही है, तो कभी भी एनजीटी की न्यूज आए तो हमें ध्यान से देखना है, और दूसरे गवर्नमेंट एग्जामिनेशन भी इस पर फोकस करते हैं एनजीटी पे गाइज। तो देखिए क्या हुआ, मैं आप लोग को बता दूं कि एनजीटी जो है उसने अभी शुरुआत करी है एक टेक्नोलॉजी की, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी की, अपने जितने भी पेटिशंस और जितने भी मैटर्स हैं उनकी सुनवाई के लिए गाइज, और ये बेसिकली एक टेम्पररी एक्शन है एनजीटी का गाइज, और टेम्पररी एक्शन क्यों है बिकॉज इसके पास जो है एनजीटी के पास स्टाफ की शॉर्टेज हो गई है इसके बेंचेस में, और इसकी बेंचेस कहां कहां पर है गाइज, तो इसकी बेंचेस हैं कोलकाता चेन्नई पुणे और भोपाल में, याद रखिएगा बेंचेस की लोकेशन, तो इसकी रीजनल बेंचेस हैं कोलकाता चेन्नई पुणे और भोपाल। सो गाइज देखिए आप लोग को यूपीएससी कैसे कंफ्यूज कर सकती है, तो देखिए यूपीएससी ऐसे कंफ्यूज कर सकती है, ये बोलेगी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने अभी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी की सहायता ले ली है, मतलब या फिर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेक्नोलॉजी की शुरुआत कर दी है अपने मैटर्स को जल्दी सॉल्व करने के लिए, तो गाइज ये जो ऑप्शन होगा ये बिल्कुल ही गलत होगा, बिकॉज ये बेसिकली एक परमानेंट जो है वो नहीं है इनका एक्शन, ये एक टेम्पररी एक्शन है, और ये सिर्फ लिया गया है बिकॉज इनके पास जो है स्टाफ की शॉर्टेज है उसके लिए गाइज राइट। सो दिस इज द थिंग गाइज। अब नेक्स्ट जो हम लोग बात करेंगे जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, थोड़ी सी एनजीटी के बारे में बात कर लेते हैं, तो गाइज ये एनजीटी जो है गाइज वो 2010 में बनाई गई थी गाइज, और ये एक एक्ट के थ्रू बनाई गई है जिसका नाम है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010, और ये बेसिकली पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाई गई थी गाइज, बिकॉज जितने भी एनवायरमेंटल इश्यूज हैं गाइज और जितने भी एनवायरमेंटल से रिलेटेड केसेस होते हैं तो उसको बेसिकली सॉल्व करने के लिए, उसको डिस्पोज करने के लिए गाइज ये बेसिकली मतलब बॉडी जो है वो बनाई गई है, और इसको इंस्पिरेशन मिली है गाइज आर्टिकल 21 से जो कहता है कि राइट टू हेल्दी एनवायरमेंट जो कि बेसिकली सिटीजन का एक हक है गाइज आर्टिकल 21 के अंदर आता है, तो उससे बेसिकली इसको इंस्पिरेशन मिली है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल को, और जितने भी एनवायरमेंट से रिलेटेड केस होते हैं गाइज वो हम लोग एनजीटी के पास ही देखते हैं, तो गाइज याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट चीज है गाइज एनजीटी और ये पर्टिकुलर न्यूज है इसके रिलेटेड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं गाइज। गाइज ये बेसिकली इंडिया यूएसए और ईरान के बीच में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उससे रिलेटेड बेसिकली न्यूज़ है, तो देखिए एक तरह की रिपीटेड न्यूज़ है गाइज ये, तो देखिए थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं बिकॉज काफ़ी इंपॉर्टेंट है इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए गाइज ये पर्टिकुलर न्यूज़। सो देखिए क्या हुआ है, थोड़ी सी बैकग्राउंड स्टोरी जान लेते हैं, बट उन व्यूअर्स से मैं पहले बोल दूँ जिनको ऑलरेडी इस बैकग्राउंड के बारे में पता है तो प्लीज़ इस वीडियो को फॉरवर्ड कर लीजिए या फिर रिविजन तौर पर देख लीजिएगा, और नए व्यूअर्स जो है वो गौर से सुनिए गाइज। तो देखिए क्या हुआ था कि यूएसए, पहले ध्यान से हम लोग और पीछे चलते हैं गाइज, तो हम लोग को ऑलरेडी हमेशा से पता है कि यूएसए और ईरान जो है
है वो आपस में कभी भी दोस्त नहीं है, तो हमेशा से इनके बीच में जो है वो लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं। सो गाइस, अब क्या हुआ था कि एक बार ईरान ने क्या किया, अभी रिसेंटली ईरान ने अपनी न्यूक्लियर डील जो है वो निकाली, मतलब दुनिया के सामने जो है प्रपोजल लेके आया कि न्यूक्लियर में डील करना चाहता है ईरान पूरी दुनिया के साथ। तो एक बेसिकली न्यूक्लियर डील वाली या फिर न्यूक्लियर ट्रेड पॉलिसी जिसको बोलते हैं गाइस, तो वो मतलब ईरान ने जो है वर्ल्ड के सामने प्रपोज करी न्यूक्लियर ट्रेड पॉलिसी, तो जिसको बेसिकली फ्रेंच के साथ मिलकर यानी कि या फिर मैं बोलूं फ्रांस के साथ मिलकर गाइस इंडिया ने इस पर्टिकुलर डील को जो है सपोर्ट किया। और इंडिया ने जैसे ही सपोर्ट किया यूएसए के कान खड़े हो गए, यूएसए ने देख लिया कि अरे यार इंडिया ने तो सपोर्ट कर दिया इसको, तो यूएसए ने क्या किया गाइस, डिप्लोमेटिकली टर्म खेलना शुरू किया। यूएसए ने क्या चीज करी, यूएसए ने निकी हेले नाम की एक पर्सनालिटी को इंडिया में भेजा जो कि एक इंडियन अमेरिकन है गाइस, और ये मतलब बाय पोस्ट ये क्या है गाइस, तो ये बेसिकली यूनाइटेड नेशन में रिप्रेजेंट करती है यूएसए को, एज अ यूनाइटेड नेशन की एम्बेसडर भी है और ये रिप्रेजेंट करती है गाइस यूएसए को, राइट, निकी हेले जी। तो ये जब इंडिया में आई थी गाइस, तो इंडिया में आने के बाद इन्होंने काफी सारे स्टेटमेंट दिए थे, इन्होंने बोला था कि जो यूएसए है उसको मतलब वो बेसिकली अपने सिर्फ मतलब जो दोस्त हैं उनकी हेल्प करता है, यानी कि यूएसए यारों का यार है, और थोड़ा सा इनडायरेक्टली जो है डिप्लोमेटिक वे में इंडिया को जो उसने मतलब बेसिकली सतर्क कर दिया था, वॉर्न कर दिया था कि ईरान से जो है अपनी दोस्ती दूर कर लो वरना यूएसए जो है वो बुरा मान जाएगा, राइट। तो दिस इज क्लियर। तो जब निकी हेले जी ने आके इसकी शुरुआत कर दी थी यहाँ पे इस चीज को लेकर और बोला था कि आप जो है ईरान को सपोर्ट करना मत करो, जैसे कि आपने अभी रिसेंटली जो है ईरान को सपोर्ट किया था न्यूक्लियर ट्रेड पॉलिसी में उसकी ईरान की, राइट। तो इस चीज़ को लेकर गाइज जो है हम लोग को ऑलरेडी वाली न्यूज़ पता लग गई थी कि कहीं ना कहीं से यूएसए जो है वो अब वो इंडिया को टारगेट कर रहा है कि ईरान से जो है रिलेशनशिप आपके मेंटेन मत करो, राइट। अब सेकंड की तरफ चलते हैं, तो देखिए क्या हुआ है कि कुछ समय पहले जब हम लोग ने देखा कि यूएसए ने क्या किया था, यूएसए ने एक मतलब डेट निकाल दी, उन्होंने बोला कि नवंबर 4 तक पूरी दुनिया डिसाइड कर लो कि उसको यूएसए के साथ रहना है कि ईरान के साथ रहना है, यानी कि उन्होंने एक नवंबर 4 की डेट निकाल दी और उसके थ्रू एक सैंक्शन उन्होंने निकाला, उसके उस सैंक्शन के थ्रू लिखा हुआ था कि जीरो ऑयल इम्पोर्ट जो है वो मतलब सभी लोग लागू कर लो, यानी कि ईरान से जो है वो आप कोई भी ऑयल इंपोर्ट जो है नहीं करोगे, मतलब जीरो ऑयल इंपोर्ट पॉलिसी जो है उन्होंने निकाल दी थी और बोला था कि नवंबर 4 तक डिसाइड कर लो कि आपको ईरान के साथ ऑयल परचेज करना है या फिर यूएसए के साथ रिलेशनशिप मेंटेन करनी है, तो ये चीज उन्होंने निकाली। सो गाइस अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले हम लोगों ने देखा था कि ईरान ने भी बेसिकली इंडिया को ये चीज डायरेक्टली बोल दी कि मतलब देखो इंडिया, अगर आप हमारे साथ परचेज नहीं करोगे ऑयल, अगर आप हमारे साथ कॉपरेट नहीं करोगे, अगर आप छाबर पोर्ट में बेसिकली अपना कॉपरेशन नहीं दिखाओगे, उसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे, सो हम लोग क्या करेंगे, आपको स्पेशल प्रिविलेजेस जो है वो नहीं प्रोवाइड करेंगे। तो स्पेशल प्रिविलेजेस यानी कि ईरान के क्या होते थे गाइस, हम जब इंडिया जो है गाइस ईरान के साथ जो ऑयल परचेस करता है गाइस, तो वो स्पेशल प्रिविलेजेस के थ्रू परचेस करता है, यानी कि जब यूएसए ने गाइस ये बात बोल दी थी कि जो डॉलर्स हैं उसको कुछ कंट्री से गाइस हटा दिया था, यानी कि उनको बोला था कि ये जो कंट्रीज हैं वो डॉलर्स में ट्रेड नहीं कर सकती, तो उस दौरान जो है ईरान ने अपॉर्चुनिटी दी थी इंडिया को कि आप रुपीस में जो है वो ट्रेडिंग करो हमारे साथ। तो गाइस इससे क्या होता है कि करंट डेफिसिट अकाउंट जो होता है जिसको हम लोग CDA बोलते हैं या फिर CAD बोलते हैं, राइट, तो ये बेसिकली वाला जो अकाउंट होता है गाइस, ये बेसिकली करंट अकाउंट डेफिसिट और करंट डेफिसिट अकाउंट भी बोलते हैं गाइस, तो CAD बोलते हैं एग्जैक्टली इसको, करंट अकाउंट डेफिसिट। सो गाइस तो जो करंट अकाउंट डेफिसिट होता है जिसके थ्रू जो है इंडिया जो है बहुत बुरी तरह से फंस गया था गाइस 1980s और 1990s के दौरान, जिसके कारण उसको LPG जो है वो मतलब इंट्रोड्यूस करना पड़ा, LPG लिबरलाइजेशन प्राइवेटाइजेशन ग्लोबलाइजेशन, बिकॉज IMF ने उसके ऊपर सैंक्शन लगाया था, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने, क्योंकि हमने अल्टीमेटली लोन जो लिया था CAD को कम करने के लिए इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से, राइट। सो गाइस देखिए अब क्या हुआ था, इस तरह की जैगलॉक की सिचुएशन ना पड़ जाए हमारे अंदर, तो इसलिए मतलब उस समय क्या हुआ था कि जब डॉलर में परचेस करना बंद कर दिया था, तो हम लोगों ने मतलब ईरान ने हमारे साथ डील करी थी स्पेशल प्रिविलेज की, उसने बोला था कि आप हमसे ऑयल रुपीज में खरीद सकते हो, जब हम रुपीज में अगर ऑयल खरीदेंगे गाइस तो हमारा CAD है गाइस वो बचा रहेगा, डेफिसिट जो है वो नहीं बढ़ेगा, बट अगर ये डॉलर्स में परचेजिंग होना शुरू हो जाएगी गाइस तो ऑब्वियसली बात है CAD जो है बढ़ने लगेगा। सो गाइस इन सब चीजों के थ्रू जो है स्पेशल प्रिविलेजेस में हमारी काफी हेल्प होती है गाइस ऑयल परचेस करने में ईरान के साथ, बट अगर ये वाली जो डील है गाइस वो कैंसिल हो जाएगी, तो ईरान ने बोला कि हम आपके स्पेशल प्रिविलेजेस जो है आपसे हटा देंगे, छीन लेंगे, ये फिर उसके बाद जो है आपके इफेक्ट जो है डायरेक्टली आपके CAD में पड़ेगा, करंट अकाउंट डेफिसिट में आपको इफेक्ट पड़ेगा, जो कि इंडिया के लिए काफी गाइस प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है, किसी भी कंट्री का अगर करंट अकाउंट डेफिसिट जो पड़ता है तो उस कंट्री की जो सिचुएशन होती है गाइस काफी खराब होने लगती है, राइट। तो इस चीज के बारे में हम लोग को पता ही है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप में हम लोग ने काफी कुछ चीजें इस चीज के बारे में पढ़ी हुई है, राइट।
सो गाइस, तो ये एक न्यूज़ थी। अब जो देखने को मिल रही है, अब क्या हो रहा है कि हमने कल देखा था कि जो इंडिया जो है वो बेसिकली क्या करेगा, ईरान और यूएसए के साथ बातचीत करेगा और नेगोशिएट करने की कोशिश करेगा कि यार रहने दो यार, आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, मिल बांट के खाते। तो इस प्रकार की इंडिया जो है वो कोशिश करेगा और यूएसए जो है वो बेसिकली क्या चीज़ कोशिश करेगा कि मतलब यहाँ से निकालना, कहाँ से, इंडिया को ईरान की, ईरान से दूर करना, जीरो इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो इंडिया के, इंडिया में इंप्लीमेंट करवाना की कोशिश करेगा ये यूएसए, राइट। तो दिस इज द ओवरऑल थिंग गाइस। तो अभी बात ये हो रही है कि अगले हफ्ते जो है वो देखने को मिलेगा कि इंडिया और यूएसए की फेस टू फेस मीटिंग होगी और ईरान के साथ भी गाइस बातचीत चलती रहेगी इंडिया की और नेगोशिएशन कंटिन्यू रहेगा। और ये चीज़ निकल के आ रही है, यूएसए जो है उसका बेसिकली एक एजेंडा है कि इंडिया को किस प्रकार से ईरान से दूर करने का। तो यूएसए क्या करेगा, इंडिया को ये समझाने की कोशिश करेगा कि ईरान जो है बेसिकली मतलब जो है मतलब जैसे यहाँ पे ईरान के अंदर हम लोग को सबसे ज़्यादा जो है वो टेरर देखने को मिलता है, एक तरह का टेरर ग्रुप्स को ईरान जो है सपोर्ट करता है, और हम जो है यूएसए जो है वो आपकी मदद नहीं करेंगे अगर आप ईरान के साथ सपोर्ट करोगे। तो हम किस चीज़ में मदद नहीं करेंगे गाइस, हम मतलब टेररिस्ट के साथ फाइट करने में मदद नहीं करेंगे या तो फिर टेरर के साथ फाइट करने में आपकी मदद नहीं करेंगे। तो यूएसए इस प्रकार से थोड़ा सा इंडिया को ब्लैकमेल करेगा गाइस। अब देखते हैं क्या होता है आने वाले समय में कि इंडिया किसका साथ देता है। और हम लोग ने ऑलरेडी देखा था कि इंडिया ने, अभी एक रिसेंटली रिपोर्ट आई थी कल जिसके बारे में हमने बात करी थी, कि इंडिया ने गाइस लास्ट मंथ से ही शुरू कर दिया है कि उसके जो इंपोर्ट्स हैं जो कि ईरान से हो रहे हैं, मतलब ऑयल के इंपोर्ट्स, उसमें हम लोग को कमी देखने को मिल रही है गाइस। और एक चीज याद रखिएगा, अगस्त 6 से गाइस जो फर्स्ट सैंक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ सैंक्शन जो है यूनाइटेड स्टेट्स का वो शुरू हो जाएगा ईरान के लिए। तो इस सैंक्शन के थ्रू गाइस जितनी भी कंट्रीज हैं गाइस जो कि मतलब जो यूएसए के साथ रहना चाहती हैं या फिर पार्टनर बनना चाहती हैं, तो उनको ईरान से बेसिकली क्या क्या चीजें जो है उसके अंदर जो इंपोर्ट जो है वो छोड़ना पड़ेगा, तो वो ऑटोमोटिव सेक्टर में, गोल्ड में और दूसरे मेटल्स में जो है वो इंपोर्ट जो है वो छोड़ना पड़ेगा। यानी कि जो नवंबर 4 की हम लोग ने अभी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि नवंबर 4 में इन्होंने बात करी है कि फ्यूल जो है उसको जीरो इंपोर्ट पॉलिसी जो है वो लेके आ जाओ, यानी कि जो जितने भी ऑयल होते हैं, जो फ्यूल्स होते हैं जो ईरान से मतलब किसी भी कंट्री के अंदर एंटर होते हैं, तो वो बिल्कुल जीरो कर दो, जीरो इंपोर्ट कर दो ईरान के साथ और दूसरी कंट्रीज को चूज कर लो। तो वैसे ही यहां पर जो फर्स्ट सेट जो है यूएसए के सैंक्शन का वो ये था पूरी कंट्रीज के लिए कि अब वो जीरो इंपोर्ट जो है वो बेसिकली ऑटोमोटिव सेक्टर, ट्रेड इन गोल्ड और अदर की मेटल्स पे जीरो कर देंगे। यानी कि अब यहां से ईरान के, ईरान से कोई भी इस प्रकार की जो ये जो यहां पे मेंशन है ऑटोमोटिव सेक्टर, गोल्ड और दूसरे मेटल जो है वो बेसिकली नहीं इंपोर्ट किए जाएंगे कंट्रीज के अंदर। सो गाइस, दिस इज द ओवरऑल थिंग। आई नो कि मैंने काफी समय ले लिया आपका इस पर्टिकुलर चीज को समझाने के लिए, बिकॉज ये जो है गाइस काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना, बिकॉज मेंस में गाइस आप इससे रिलेटेड काफी अच्छा आंसर जो है लिख सकते हैं। तो सॉरी फॉर योर टाइम गाइस, बट जरूरी था इसलिए मुझे एक चीज करनी पड़ी। अब नेक्स्ट न्यूज में चलते हैं। अच्छा गाइज, एक चीज़ और मैं आपको बताना भूल गया, अभी मुझे याद आया जब यहाँ पर मैंने 2+2 टॉक्स देखा। तो देखिए गाइज, अब क्या हुआ था, मैं आपको ऑफिस से स्टोरी पे लेके जाता हूँ थोड़ी सी। जब ईरान के बीच में जो डिस्कशन चल रहा था, जब निकी हेली जी आई थी हमारे यहाँ, जब मैंने आपको अभी बताया कि इंडिया में आई थी और उन्होंने बोला था कि ईरान से आप दोस्ती मत कीजिए, राइट, कि अगर आप ईरान से दोस्ती करोगे तो यूएसए जो है वो बुरा मान जाएगा, तो उन्होंने इनडायरेक्टली डिप्लोमेटिक वे में बोल दिया था। बट गाइज, जब हम लोग ने जो ईरान के साथ जो है दोस्ती कंटिन्यू रखी, इंपोर्ट जो है कंटिन्यू रखे, हमने कोई भी एक्शन नहीं लिया ईरान के खिलाफ, तो यूएसए ने क्या किया था गाइज, हम लोग को ये चीज़ दिखाने के लिए कि आप ईरान को सपोर्ट कर रहे हो, तो उसने हमारा जो 2+2 डायलॉग जो कि इंडिया और यूएसए के बीच में होने वाला था वाशिंगटन में गाइस, और जिसकी डेट फिक्स थी 6 जुलाई की, सो गाइस उस पर्टिकुलर 6 जुलाई वाली डेट को इसने पोस्टपोन कर दिया और कोई भी डेट जो है वो नहीं बताई थी गाइस कि आने वाले समय में कब होने वाली है ये 2+2 डायलॉग, जो कि हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट थी गाइस। इसमें हम लोग काफी सारी जो जैसे कि मतलब जो हाईली स्पेशलाइज्ड जो मिलिट्री ड्रोन है गाइस वो परचेस करने वाले थे हम लोग यूएसए से, और भी काफी अच्छे अच्छे जो है इसमें एग्रीमेंट होने वाले थे गाइस। तो एग्जैक्टली 4 फाउंडेशनल एग्रीमेंट जो है इसके अंदर होने वाले थे गाइस इस पर्टिकुलर डायलॉग के अंदर 2+2, जो कि इंडिया के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो ये इंडिया के लिए ये नेसेसिटी जानते हुए इसने जो है वो पोस्टपोन कर दी थी गाइस यूएसए ने डील, और बताया था कि हम जो है वो थोड़े से अभी बिजी चल रहे हैं नॉर्थ कोरिया के इशू को लेकर। जैसे कि आप लोग को पता है यूएसए और नॉर्थ कोरिया के बीच में गाइस अभी मीटिंग हुई थी रिसेंटली सिंगापुर में, राइट, आपको याद आ रहा होगा। तो दिस इज अ काइंड ऑफ रिवीजन फॉर यू गाइस। तो ये चीज आपकी क्लियर हो गई होगी आई थिंक 2+2 डायलॉग के बारे में, बिकॉज अभी आने वाला है। सो गाइस देखिए अब क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर न्यूज़ पे चलते हैं। तो निर्मला सीतारमन जी जो कि हमारी डिफेंस मिनिस्टर है गाइस, तो उन्होंने बोल दिया है कि जो 2+2 डायलॉग जो है वो जो कि मतलब अब होने वाला था इंडिया और यूएसए के बीच में, जैसे कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया, वो बोला जा रहा है कि सेप्टेम्बर के फर्स्ट वीक में होने की संभावना है। तो ये चीज़ जो है वो बोल दी गई है कि सेप्टेम्बर फर्स्ट वीक में शायद तक हम लोग को देखने को मिल सकता है। और सेकेंडली गाइज, इन्होंने दूसरी चीज़ जो बताई है वो बताई है S-400 की डील के बारे में। सो गाइज, जैसे हम लोग ने बात करी थी कि इंडिया जो है उसने परचेज किया है S-400 जो है वो मतलब इंडिया में आ गया था, दिल्ली के अंदर आ गया था, हम लोग ने बात करी थी
रशिया से। तो हम लोग ने S-400 जो कि सर्फेस टू एयर मिसाइल है गाइस, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है हमारे डिफेंस सेक्टर के लिए गाइस ये पर्टिकुलर मिसाइल, तो उसकी डील हुई थी गाइस। तो उस कारण से यूएसए ने क्या बोला था कि मत डील करो रशिया के साथ, क्योंकि वो मैं उसको रशिया को मैं पसंद नहीं करता हूँ। सो गाइस बट आप पसंद करो या ना करो, डिप्लोमेटिकली अगर हमारे लिए कुछ चीज इंपॉर्टेंट होगी तो हम तो वही चीज लेंगे ना। सो इंडिया ने गाइस हरी झंडी दे दी है, इंडिया ने बोला है कि S-400 तो वो परचेस करेगी और इसकी डील जो होगी वो इस ईयर के एंड तक हो जाएगी रशिया के साथ। और इन्होंने बेसिकली ये बात बोली है कि जो काट्सा है गाइस, तो काट्सा मतलब सैंक्शन एक्ट, जो कि बेसिकली निर्मला सीतारमन जी ने बताया, जो काट्सा जो कि बेसिकली सैंक्शन एक्ट है वो यूएसए का लॉ है ना कि यूएन का। तो गाइस यूनाइटेड नेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन एक तरह का इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि बाउंड करता है सारी कंट्रीज को कि मतलब इंटरनेशनली लॉ को मानने के लिए, यानी कि जो भी इसके मेंबर कंट्रीज है गाइस वो उसको इंटरनेशनल लॉ को फॉलो करना पड़ेगा। तो उन्होंने बोला है कि ये यूएसए का लॉ है काट्सा, ना कि यूएन का। अगर यूएन का लॉ होता तो हम लोग एक बार उस चीज को मानते, बट ये मतलब यूएसए का लॉ है, तो यूएसए का एक इंडिविजुअल कंट्री का लॉ है, तो हम क्यों माने उस पर्टिकुलर को। तो बहुत ही सही बात बोली गई है गाइस। तो काट्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जामिनेशन। चलिए देख लेते हैं काट्सा क्या है। तो देखिए काट्सा है काउंटरिंग अमेरिकास एडवर्सरी थ्रू सैंक्शन एक्ट। तो काट्सा, तो गाइस देखिए हम लोगों ने हमेशा भी थोड़ी देर पहले बात करी थी कि ईरान जो है वो फ्रेंड नहीं था यूएसए का बहुत समय तक, नॉर्थ कोरिया भी फ्रेंड नहीं रहा, बट अभी अभी जो उनके बीच में जो रिलेशन है वो थोड़े अच्छे देखते हो नजर आ रहे हैं हम लोग को। और रशिया जो है गाइस वो भी बिल्कुल फ्रेंड नहीं है यूएसए का। सो यूएसए जो है पसंद नहीं करता है ईरान, नॉर्थ कोरिया और रशिया से, तो इसलिए वो बेसिकली क्या करता है, वो सैंक्शंस वगैरह लगा देता है और बाइंड कर देता है दूसरी कंट्रीज को, मतलब जो कि उसकी फ्रेंड कंट्रीज हैं, जो भी उसकी एलाइज हैं, तो उसको भी बोलता है कि आप भी ये सैंक्शन लगाओ और आप भी इनसे डील मत करो कोई भी किसी भी चीज़ में। तो सही गाइस दिस इज ऑल थिंग जिसके लिए जो है वो रशिया से जो हम खरीद रहे थे, इसलिए उसने बार बार बोलना शुरू किया कि काट्सा के अकॉर्डिंग जो है आपको नहीं करनी चाहिए रशिया के साथ, जो है आप मतलब इस लॉ का जो है इस पर्टिकुलर एक्ट है उसको वॉयलेट कर रहे हो रशिया के साथ डील करने से, तो इस प्रकार से डरा रहा था। तो इसलिए निर्मला सीतारमन जी ने डायरेक्टली बोल दिया है, जो कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर हैं, कि जो काट्सा जो है वो यूनाइटेड नेशन का लॉ नहीं है, जो कि हमें बाउंड करे, वो कोई इंटरनेशनल लॉ नहीं है, वो एक पर्टिकुलर मतलब इंडिविजुअल एक कंपनी का लॉ है, कंट्री का लॉ है सॉरी, जो कि यूएसए का लॉ है। तो उन्होंने क्लियरली ये चीज बता दी है गाइस। और ये बेसिकली काट्सा जो है गाइस इसको साइन किया है डोनाल्ड ट्रंप ने August 2017 को। तो ये चीज याद रखिएगा, काट्सा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर एग्जाम। और ये दोनों चीज स्पेशली S-400 एंड 2+2 डायलॉग, आई होप कि आप लोग को चीजें क्लियर हो रही होंगी गाइस, मेरे समझाने का तरीका आप लोग को क्लियर हो रहा होगा। और गाइस नेक्स्ट चीज ये है कि डोनाल्ड ट्रंप जो है ये बोला जा रहा है कि ये 2019 में इंडिया की विजिट पे आने वाले हैं, और ये कुछ खबरें आ रही हैं गाइस कि अभी जनवरी में जो है ये इनको इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी जी ने, जो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर है गाइस। सो गाइस उन्होंने जब इनवाइट किया है नरेंद्र मोदी जी ने उनको, तो ये बात कही जा रही है कि इस बार हो सकता है कि जो चीफ गेस्ट हो रिपब्लिक डे में, जो कि 26 जनवरी को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं गाइस, वो डोनाल्ड ट्रंप हो। तो ऐसी बात कही जा रही है, अभी कंफर्मेशन नहीं है तो इसके बारे में गाइस, तो हम लोग बाद में बात करेंगे इस पर्टिकुलर चीज के बारे में, अभी हम लोग नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं राइट। तो जब ये हम लोग को 26 जनवरी की तरफ हम पहुंचेंगे तब हम लोग को पता लग जाएगा। अब गाइस नेशनल न्यूज इतनी थी, जिसके अंदर हम लोग ने काफी सारी इंटरनेशनल न्यूज भी देखी हुई है गाइस, और काफी कुछ चीजें जो है वो सीखी भी हैं। अब हम लोग इंटरनेशनल न्यूज की तरफ चलते हैं फाइनली, जो कि वर्ल्ड नाम के पेज में हम लोग को देखने को मिलती है। ऑलराइट गाइस, टेररिज्म एक बहुत बड़ा दुनिया भर में वर्ल्ड का कंसर्न है गाइस। तो हर एक गवर्नमेंट जो है, हर एक स्टेट जो है, हर एक नेशन, हर एक कंट्री जो है वो टेररिज्म से लड़ने की बात करती है गाइस, बिकॉज हर एक जगह के लोग जो है वो टेररिज्म से परेशान है। सो गाइस देखिए, ये टेररिज्म जो है वो बेसिकली किसी भी कंट्री को हार्म नहीं, बेसिकली ह्यूमैनिटी को हार्म करता है गाइस राइट। सो देखिए वही चीज़ बुरी न्यूज़ हम लोग को देखने को मिल रही है गाइस। इस्लामिक स्टेट ने एक सुसाइड बॉम्बर के थ्रू टेररिस्ट अटैक करवा दिया है गाइस पाकिस्तान में, जहां पर 128 लोगों की मौत हो गई है और 150 लोग गाइस इंजर्ड हो गए हैं। और ये अटैक हुआ है बलूचिस्तान प्रोविंशियल कैपिटल क्वेटा में गाइस। सो याद रखिएगा गाइस एरिया का नाम, और ये जो 128 लोग हैं गाइस इनकी मृत्यु हो गई है, और ये आने वाला जो इलेक्शन है गाइस उससे पहले मृत्यु हो गई है, यानी कि July 25 को से पहले जो टेररिस्ट अटैक करवाया गया है। तो ये कहीं ना कहीं बेसिकली गाइस इस्लामिक स्टेट ने पाकिस्तान को एक वार्निंग दे दी है इलेक्शन के दौरान की और भी अटैक हो सकते हैं उसकी। सो पाकिस्तान को अपनी सिक्योरिटी को है उसको बढ़ाना चाहिए गाइस, बिकॉज वहां पे जो ह्यूमन लॉस जो होता है गाइस वो ह्यूमैनिटी को हार्म करता है, ना ही सिर्फ एक कंट्री को, ना ही किसी एक देश को, ना ही किसी एक नेशन को, ना ही किसी धर्म को, ना ही रिलीजन को गाइस, ये ह्यूमैनिटी को हार्म करता है। तो ह्यूमैनिटी को बचाना पड़ेगा, बिकॉज ये काफी बड़ा कंसर्न है गाइस, जो कि टेररिज्म है। अब गाइस इंटरनेशनल न्यूज एक ही थी, और बाकी काफी सारी इंटरनेशनल न्यूज हम लोग ने अभी तक देख चुकी है आज के न्यूज़पेपर में। अब गाइस अब बात करते हैं बिजनेस न्यूज की। गाइज इन्फोसिस ने इस पर्टिकुलर क्वार्टर में 3.7% की ग्रोथ करी है, यानी कि 3,612 करोड़ की ग्रोथ करी है डिजिटल सर्विसेज में गाइज। और इन्फोसिस के MD और CEO कौन है गाइज, ये सलिल पारेख जी हैं। तो याद रखिए गाइज इनका नाम काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। सो अंडरस्टैंडिंग के लिए बेसिकली मैंने न्यूज यहाँ पर रखी थी गाइज। अब नेक्स्ट न्यूज की तरफ चलते हैं।
गाइज यहाँ पर इंडिया का जो एक्सपोर्ट है वो 43 मंथ हाई जो है हो गया है, यानी कि 17.6% हो गया गाइज, यानी कि $27.7 बिलियन हो गया है जून में। बट गाइज ये बात की जा रही है जो ट्रेड डेफिसिट है गाइज वो भी हाई हो चुका है, वो 16.6 बिलियन डॉलर जो है वो हो चुका है गाइज, और वो किसकी वजह से हुआ है, क्रूड ऑयल के इम्पोर्ट से, यानी कि फ्यूल के इम्पोर्ट से गाइज। तो देखिए एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग थोड़ी सी एनालिसिस करें तो देखिए हम यहाँ पर ये चीज़ देखने को मिल रही है कि महंगाई जो है वो बढ़ती जा रही है फ्यूल के कारण, यानी कि जो ट्रेड डेफिसिट है वो होता जा रहा है फ्यूल के कारण गाइस, की जो फ्यूल जो है वो मतलब महंगा होता जा रहा है। और सेकंडली जो हमने बात करी है एक्सपोर्ट जो है वो भी हम हर वक्त ज़्यादा होते जा रहे हैं, यानी कि हम लोग इनकम तो कर ही रहे हैं बट ट्रेड डेफिसिट के कारण हम लोग को लॉस भी काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, यानी कि इन्फ्लेशन जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, राइट। सो गाइस हमारा एक्सपोर्ट क्यों हो रहा है, दिस इज द क्वेश्चन। सो गाइस देखिए सिंपलेस्ट वे में अगर बात की जाए तो देखिए अभी हम लोग ने देखा था कि डॉलर के मुकाबले जो पैसा जो है रुपया जो है वो गाइस रुपीज़ जो है वो कमज़ोर हो गया है, राइट। तो इस कारण से क्या हो रहा था गाइस, काफ़ी सारे लोग जो है वो कोशिश कर रहे थे इंडिया पे मतलब जो इंडिया से जो है इंपोर्ट करवाने की अपनी कंट्री के अंदर, यानी कि इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट करे दूसरी कंट्री में। तो इंडिया के पास जो है काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स आ गए थे गाइस एक्सपोर्ट करने के लिए, बिकॉज क्या था कि जो मतलब कम डॉलर्स में इंडिया से ज़्यादा माल जो है वो परचेज किया जा सकता था गाइस। तो ये वाली इस पर्टिकुलर इशू के कारण जो है हमारा एक्सपोर्ट जो है बढ़ा है, तो कोई मतलब अच्छी बात नहीं है कि एक्सपोर्ट बढ़ने की, बिकॉज अल्टीमेटली जो है मतलब फ्यूल का जो इन्होंने जो जिक्र किया हुआ है तो वो तो एक इशू है ही है, और साथ ही साथ जो ये डिवेल्यूशन ऑफ रुपीज़ जो है गाइज वो भी एक बहुत बड़ा इशू है। सो गाइज दिस इज थिंग विच यू नीड टू नो, इस प्रकार से थोड़ी सी एनालिसिस करने की कोशिश करिए, अगर आप एनालिसिस करेंगे तो काफ़ी अच्छे से चीज़ों को समझ पाएंगे गाइज, और डायनेमिक वे में हम लोग को चीज़ें समझना है, बिकॉज हम लोग कर रहे हैं कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन की तैयारी, तो हर डायरेक्शन में हम लोग को चीज़ें समझना है, गॉट इट। नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ चलते हैं गाइज, तो देखिए आरबीआई की बात की जा रही है, आरबीआई से एक न्यूज़ आ रही है गाइज, जो कि बेसिकली अभी जो है ये न्यूज़ बता रही है ब्रोकरेज बीएनपी पारिबस। तो गाइज ये बेसिकली ये चीज़ बता रही है कि आरबीआई जो है अभी आने वाले समय में अपना जो 25 बेसिस पॉइंट से अपना रेपो रेट बढ़ाकर 6.5 कर सकते हैं गाइज, तो ये चीज बोली जा रही है। तो देखिए गाइज रेट्स जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट होते हैं, ये बेसिकली एक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने आपकी न्यूज डाली है यहां पर, अभी बढ़ाए नहीं है तो मुझे नहीं डालनी चाहिए थी, बट देन टू मैंने इसलिए डाली है बिकॉज मैं आपको बताना चाहता हूं, पहले भी मैंने क्वेश्चन पूछ चुके हैं रेट से रिलेटेड, तो जिन लोगों ने आंसर नहीं दिए जो भी हमारे नए व्यूअर्स, मैं उनसे बोल दूं गाइज सबसे पहले आज जाइए इस वीडियो के एंड करने के बाद, रेपो रेट होते हैं, SLR रेट्स होते हैं, बैंक रेट होते हैं, और जो भी जितने भी रेट्स होते हैं गाइज बैंकिंग के, वो पूरे रेट्स जो हैं गाइज याद कर लीजिए, और करंट रेट क्या चल रहा है वो भी आप लोग को देखना काफ़ी ज़रूरी है, राइट। सो दिस इज़ द ओवरऑल थिंग, इसलिए मैंने ये वाली चीज़ यहाँ पर डाली थी आप लोग को बताने के लिए, रेट्स जो है गाइज वो याद रखिए, बाकी इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए वाली न्यूज़। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गाइज, जो हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉरपोरेशन है जिसको हम लोग HSBC बोलते हैं गाइज, तो वो HSBC ने अभी बेसिकली अपॉइंट किया है अमिताभ मल्होत्रा जी को एज द हेड ऑफ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर HSBC इंडिया। तो HSBC इंडिया के लिए इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के हेड जो होंगे गाइज वो अमिताभ मल्होत्रा जी होंगे, जिनको अपॉइंटमेंट मिल गया है गाइज। तो अमिताभ मल्होत्रा जी याद रखिएगा, बैंकिंग एग्जामिनेशन में और SSC वगैरह के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा जाता है गाइज इस पर्टिकुलर चीज से रिलेटेड। अब गाइज अब बात कर लेते हैं, देखिए बिजनेस न्यूज भी कंप्लीट हो गई है, लास्ट न्यूज पे आ गए हम लोग, अब स्पोर्ट्स न्यूज की बात करेंगे। तो मोहम्मद कैफ गाइज काफी फेमस क्रिकेटर रह चुके हैं गाइज, ये तो इन्होंने बेसिकली हर तरीके के हर फॉर्म के क्रिकेट से गाइज रिटायरमेंट ले लिया है। तो मोहम्मद कैफ एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है किस क्रिकेटर ने या फिर किस स्पोर्ट्स पर्सनालिटी ने अभी रिसेंटली अपने गेम में सभी तरह के मतलब फॉर्म से रिटायरमेंट ले लिया, तो आपको आंसर लिखना है मोहम्मद कैफ ने, राइट। सो नेक्स्ट की तरफ चलते हैं गाइस, तो देखिए अब हम लोग कुछ क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले गाइस मैं आप लोग से ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि आप मेरे लेक्चर को प्लीज़ रेटिंग दीजिए, काफ़ी सारे लोगों ने कल कमेंट किए थे तो मुझे उससे काफ़ी मोटिवेशन मिला है गाइस लेक्चर बनाने का। तो अगर आप चाहते हैं कि मैं कंटिन्यू रखूँ अपने लेक्चर को तो प्लीज़ कमेंट करते रहा करो, एटलीस्ट मुझे भी तो पता लगे कि आप लोग मतलब कितने लोग जो है वो कमेंट कर रहे हैं मेरे लेक्चर को। सो गाइस प्लीज़ आज से जो है वो रेटिंग देना शुरू करिए आंसर के अलावा, तो एक आपका एक ऐसा कमेंट आना चाहिए गाइस, सिर्फ एक सेकंड का टाइम लूँगा मैं आपसे, तो आप सिर्फ बैड गुड बेटर या बेस्ट की रेटिंग दीजिए मुझे इस पर्टिकुलर मेरे लेक्चर को गाइस। तो आप जो भी रेटिंग देंगे अगर आपको उसके साथ कोई फीडबैक भी देना है गाइस तो प्लीज फीडबैक भी दीजिए, बिकॉज आपके फीडबैक को मैं यूज करूंगा अपने ट्यूटोरियल में और उसको ट्यूटोरियल को और अच्छे से इंप्रूव करने की कोशिश करूंगा गाइस। तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा कि बुरा लगा तो बैड, ठीक लगा तो गुड, थोड़ा सा अच्छा लगा तो बेटर, और सबसे अच्छा लगा तो गाइस बेस्ट। तो ये चार रेटिंग प्लीज जरूर दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स पे गाइस, ठीक है। सभी लोग से मेरी विनती है गाइस हाथ जोड़कर प्लीज दीजिएगा, बिकॉज काफी अच्छा लगता है आप लोग कमेंट्स करते हैं तो उसी के थ्रू मुझे मोटिवेशन मिलता है। जैसे कल काफी सारे लोगों ने #education
फैशन विंग्स मैगजीन जो है कमेंट किया तो मुझे इतना अच्छा लगा कि कितने सारे लोग जो है मेरे ट्यूटोरियल को देखते हैं गाइज. सो प्लीज ऐसा आप कमेंट किया करें गाइज. और सेकेंडली आज के क्वेश्चन की बात कर लेते हैं. देखिए आज का फर्स्ट क्वेश्चन है नेम द 2018 एम्बेसडर्स ऑफ स्वच्छ भारत मिशन. तो गाइज देखिए आज हमने बात करी थी स्वच्छ भारत मिशन के बारे में, तो उसी से रिलेटेड ये बेसिकली मैंने क्वेश्चन डाल दिया है. सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट इज एमनेस्टी इंटरनेशनल. तो गाइज ये एमनेस्टी इंटरनेशनल का जिक्र किया गया था जो अभी रिसेंटली हमने अभी बात करी है पाकिस्तान के अंदर जो अटैक हुआ है गाइज सुसाइड बॉम्बर के थ्रू इस्लामिक स्टेट ने जो करवाया है. सो गाइज उसमें एमनेस्टी इंटरनेशनल का जिक्र किया गया था, बस उस समय जो है हम लोग को उस पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं करना था, बट इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली पूछ लिया है कि एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या है. सो गाइज इसका करेक्ट आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स पर देना है, और जो भी हमारे व्यूअर्स कमेंट बॉक्स पर आंसर देते हैं तो उनमें से हम लोग सबसे पहले जो तीन लोग जो आंसर देते हैं टॉप थ्री लोग गाइज उसके उनके जो कमेंट्स होते हैं गाइज उनको हम लोग चूज करते हैं, सेलेक्ट करते हैं और उसके स्क्रीनशॉट को हमारे टेलीग्राम ग्रुप में डिस्प्ले करते हैं गाइज. और डिस्प्ले करने के फायदे तीन होते हैं. एक फायदा ये होता है कि आप लोग को अच्छा लगता है कि काफी सारे लोगों के सामने आपका जो नाम है उसके साथ आपका जो आंसर है वो डिस्प्ले कर दिया गया है. और सेकंडली गाइज क्या होता है कि जो दूसरे लोग हैं जो हमारे व्यूअर्स जो हैं जिनको इन पर्टिकुलर दो क्वेश्चन का आंसर नहीं पता है उनको आंसर मिल जाते हैं. थर्डली गाइज मुझे काफी अच्छा लगता है जब आप कमेंट करते हो. बट प्लीज गाइज रेटिंग प्लीज जरूर कीजिएगा गाइज. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर. इसकी जो PDF है वो बिल्कुल आपको फ्री मिल जाएगी. उसके लिए करना पड़ेगा आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन जिसकी लिंक दी गई है नीचे डिस्क्रिप्शन में गाइज. और प्लीज लाइक करिएगा अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगे, और प्लीज अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए. और जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया गाइज प्लीज डू सब्सक्राइब, एंड प्लीज डू हिट द बेल आइकन ऑल्सो, बिकॉज बेल आइकन आप हिट करेंगे तो हमारी नोटिफिकेशन जो है गाइज वो डेली आपको मिलेगी. और गाइज एक चीज और एक नोटिस है गाइज, आज सैटरडे है तो आज शायद हो सकता है कि रात में जो डेली करंट अफेयर्स जो है वो प्रॉपर टाइम पे ना आए, 9 बजे ना आए, या फिर मैं कल लूँ उस पर्टिकुलर मतलब इसको, और या मतलब ये डेली ये होता है ना हम लोग जो MCQ जो करते हैं डेली MCQ की प्रैक्टिस लाइव MCQ की, या तो फिर मैं आज रात में 9 बजे शायद नहीं करूँ या फिर कर भी लूँ कोई भरोसा नहीं है. और सेकेंडली गाइज हो सकता है कि मैं आप लोग को इन्फॉर्म कर दूँ टेलीग्राम ग्रुप पर कि मैं कब करने वाला हूँ, तो प्लीज़ टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पर काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन मैं प्रोवाइड करता हूँ. चलिए गाइज बाय बाय, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे, टाटा.